जैसे हर साल डालते हैं हम कैल्शियम नाइट्रेट और जो भी डालते हैं आखिरी में डोज, तो इस बार में मैंने सोलियो एमएस डाला, इसका मेरे को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। जो प्याज 20 रोज लेने वाली थी वो 8 से 10 रोज पहले मैंने खेत से निकाल दी, और उत्पादन भी ज़्यादा मिला और उसके साथ साथ भाव भी अच्छा मिला। ठीक है, आपका प्याज का रकबा कितना था और कितना डाला आपने? प्याज का रकबा था 60 से 62 डिसमिल और उसमें उत्पादन हुआ 150 से 55 कट्टे, मतलब एक एकड़ से भी कम था। एक एकड़ से कम था ना सर? पौन एकड़ से भी कम हुआ। पौन एकड़ से भी कम हुआ ये मान लीजिए। तो उसमें तो कुल उत्पादन कितना निकला प्याज का आपका? उसमें 155 मन। हाँ, मन। हाँ, मतलब इसको आप समझ सकते हैं 60 क्विंटल से ऊपर। हाँ, ठीक है। तो इनका उत्पादन रहा उतनी सी जगह में, 1 एकड़ से भी कम, मतलब 0.75 एकड़ से भी कम था इनका रकबा, और उसमें उत्पादन रहा इनका 60 क्विंटल 6 टन। तो इस प्रोडक्ट के बारे में आप स्पेशल क्या बोलना चाहेंगे सोलियो एम्स के बारे में? इसके बारे में सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि बाकी चीज़ें तो अपन ने सब डाली थी, हर साल डालते हैं, बाकी ये डाली तो अपने को बहुत बढ़िया उत्पादन मिला। अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है, धन्यवाद पवन जी। ठीक सर।